हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिविक्स में। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। आपने देखा है ना, आप सुनते भी होंगे कि हमारी कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, या सपा की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से आपने सुना भी होगा, लेकिन अब ये गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डेट हैव द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट लॉ सो एज द एंश्योर एन ऑर्डिनरी लाइफ इन अ कंट्री। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कानून को, यानी जिसके पास कानून बनाने की, लागू करने की और उसको व्याख्या करने की शक्ति है, ताकि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लोग जो है अपनी लाइफ जी सकें। गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर असाइंड द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट उन लोगों का समूह है जो हमारे राष्ट्र के मामलों को देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, ठीक है, और हमारे राष्ट्र को चलाने का काम करते हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड्स, एंड हम क्या है, अपनी एक ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जब हम एक साथ रहते हैं, when people of different group live together, they are chance of their getting into conflict, और जब सभी लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें कुछ आपस में मतभेद होने के भी चांस रहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखिए, आप क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कभी कभी आप में एक दूसरे में लड़ाई होने की, या कुछ बात आपको किसी की अच्छी ना लगे, ऐसे भी चांस हो जाते हैं ना। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ये जो काम है ये किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कानून बनाती है, लागू करती है, ठीक है, एंड एंश्योर ऑर्डर इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उनको लागू भी करती है, ठीक है, उसकी देखभाल भी करती है। बेसिकली गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन डेट मेक डिसीजन टू रन अ कंट्री। बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी कंट्री को चलाने के लिए डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट के क्या क्या काम है, क्या काम करती है बेटा, आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास गवर्नमेंट रोड बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, मेडिकल हेल्थ के जो आपके कैंप लगवाती है, ठीक है, वो हमारी कंट्री को आप न्यूज़ में देखते भी हैं कि जो विदेशी जो आक्रमण करते हैं हमारी किसी और कंट्री से, आक्रमण से हमको जो अटैक से बचाती है, ठीक है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाती है, हमारे ऐसे ऐसे प्लान बनाती है जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इस तरीके का काम गवर्नमेंट करती है। मेन फंक्शन क्या है गवर्नमेंट का, वो है कानून बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, ठीक है, जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का। गवर्नमेंट आर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाती है, स्कूल, पोस्टल, रेलवे सर्विस, ठीक है, इन सबको प्रोवाइड करवाती है हमें, कंट्रोल करती है प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़, प्रोटेक्ट हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है, देश में शांति बनाने का काम करती है, पीसफुल रिलेशन जो है अदर कंट्रीज से, उनसे रिलेशन को मेंटेन करके रखने का काम करती है, और ये हेल्प करती है लोगों की ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें भी ये हेल्प करती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट है लेकिन ख़त्म नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये क्या करती है कि ये जो अगर आपस में लोगों में कोई भी मतभेद हो जाता है तो उनको कोर्ट दिलाती है, और कोर्ट क्या है, कोर्ट भी हमारी गवर्नमेंट का ही एक भाग है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेवल एट द नेशनल लेवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल पर काम करती है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पर काम करता है। थर्ड आती है लोकल गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल लेवल पर काम करती है। देखिए बेटा, इसको इस तरीके से समझते हैं, आप स्कूल का एग्जांपल लीजिए, स्कूल में पूरे स्कूल के लिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, स्कूल की वेलफेयर के लिए, प्रिंसिपल सर या मैम, ठीक है, जिसको हम मतलब जो हमारा मैनेजमेंट होता है स्कूल का, ओके। देन उसके बाद
आपका ये हमारा क्या हो गया नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर कौन काम करता है, प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, अपने स्टेट के लिए। स्कूल के लिए अभी मैंने जैसे बताया कि प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम काम करेंगे, वो स्कूल के वेलफेयर के। उसके बाद क्लास टीचर, क्लास टीचर क्या करती है, वो अपनी क्लास के लिए जो है बहुत सारे रूल्स बनाती हैं, क्लास के लिए काम करती हैं। देन ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, खुद के अपने स्टेट के लिए काम करती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट यूपी के लिए काम करेगी, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट पंजाब के लिए काम करेगी। देन ठीक है, समझ गए बेटा। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए काम करती है, ऐसे ही क्लास टीचर क्लास के लिए काम। थर्ड आता है आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोकल लेवल पर काम करती है, जैसे कि विलेज लेवल पर, ठीक है, टाउन पर या लोकलिटी के लिए अपनी। तो इसमें जैसे अब आपका आता है इसमें ऐसे कि सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के लिए वर्क करेंगी कि हम अपने अपने सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थ्री लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। ओके बेटा, दिस डिवीज़न इनटू थ्री लेवल हैड टू बी डन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और ये डिवीज़न किस लिए गए हैं, ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर सके। नेशनल लेवल किससे रिलेटेड होता है, पूरी कंट्री के लिए। स्टेट लेवल का मतलब है कि इट कवर्ड एन एंटायर स्टेट, ये पूरे स्टेट को कवर करती है, जैसे कि राजस्थान पंजाब मिजोरम एनी कोई भी स्टेट। लोकल लेवल पर का मतलब है विलेज टाउन या लोकेलिटी के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडिया के स्टेट हैं, ठीक है। इंडिया में कितने स्टेट है बेटा, तो ये आपको सारे स्टेट जो हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। ओके, व्हाई डू वी नीड लॉज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑर्डरली लाइफ। हमें क्यों कानून की ज़रूरत होती है, एक स्मूथ फंक्शन के लिए और लाइफ को ऑर्डरली जीने के लिए। सोच बेटा देखिए, अगर क्लास में टीचर ना हो, ठीक है, या आपको ये पता चले कि अगर हम क्लास में शोर मचाएंगे तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, तो क्या आप शांत बैठ सकते हैं, नहीं ना, आप शोर करेंगे, क्लास में टीचर नहीं है शोर करेंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि टीचर आने वाली हैं, आपको पिटाई लगेगी, ठीक है, आपको पनिशमेंट दी जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप शांत से बैठे रहेंगे। तो इसलिए हमें कानून की ज़रूरत पड़ती है। अगर रोड पे, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स ना हो तो क्या होगा, आप देखिए, एक बार अगर रोड पे ट्रैफिक रूल्स ना हो या रेड लाइट जो ख़राब हो जाए तो क्या हो जाता है, वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है, उनको कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो रूल किस लिए बनाए गए हैं, हमारी लाइफ को स्मूथ और जो ऑर्डरली चढ़ने के लिए, टू एंश्योर क्वालिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। सोसाइटी को जो क्वालिटी, सोसाइटी की क्वालिटी और उसको हर चीज़ साफ साफ सोसाइटी में अच्छे तरीके से चलती रहे, इसके लिए। फॉर इंटेंस इफ पर्सन फील शी इज़ डिबार्ड फ्रॉम द जॉब, अगर कभी किसी व्यक्ति को लगे कि वो जॉब से किस कारण निकाल दिया गया है, किसी धर्म के कारण, कास्ट के कारण, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसके लिए कोर्ट में जाकर लड़ सकता है, कोर्ट केस कर सकता है। अब रोल ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी, लोकल डेमोक्रेसी में क्या रोल है, पीपल पार्टिसिपेट इन मैनी वे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी वो हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। इफ़ दे फील, अगर उन्हें महसूस होता है कि कोई भी कानून जो है उनके लिए, उससे वो सहमत नहीं है या फिर वो उनकी भलाई के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। द जुडिशरी एक्ट एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी यानी कोर्ट जो होता है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरह काम करता है, ठीक है, जैसे आपके गार्जियन जो हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सेव करते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी को भी जो जुडिशरी है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पीपल मे ऑल्सो वॉइस देयर ग्रीवेंस एंड प्रोटेस्ट थ्रू मीडिया, और लोग जो हैं अपना विरोध या अपनी आवाज़ किसके उठा सकते हैं, ठीक है, और प्रोटेस्ट कर सकते हैं मीडिया के द्वारा, जैसे कि न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, या किसी भी प्रोटेस्ट का पार्ट बन के रैलीज या मार्च के द्वारा, ठीक है, रैली निकालते हैं, मार्च पास करते हैं। दिस रिएक्शन फोर्स द गवर्नमेंट टू रीथिंक अबाउट देयर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और इस रिएक्शन से क्या करती है, गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, और फिर उसके लिए ही कोई भी उसकी उसके बाद में ही वो उसी की तरह कोई भी काम करती है, मतलब एक्ट
जैसे सोचती है तब वो कुछ कानून बनाती हैं। अब है रोल ऑफ द पीपल इन मोनार्की। मोनार्की में क्या रोल होता है? देखिए बेटा, मोनार्की सिस्टम में हेड होता है किंग या क्वीन, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में तो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं हर एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में, बट डेमोक्रेसी में क्या, मोनार्की में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की किंग और क्वीन ओनली द फिगर हेड ऑफ द नेशन। किंग और क्वीन जो होता है वो फिगर हेड होता है, नेशन का हेड होता है। द मेन डिसीजन एंड लॉज आर मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ऑफ द नेशन। और जो कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी कानून बनाया जाता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के द्वारा, ठीक है। पीपल मे ऑल्सो वॉइस देयर डिसेंट थ्रू मीडिया और प्रोटेस्ट। और लोग जो है मीडिया या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट के द्वारा आवाज़ उठा सकते हैं, ओके। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं बेटा? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। देखिए एग्जीक्यूटिव क्या होती है? एग्जीक्यूटिव कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। देन उसके बाद लेजिस्लेचर आती है, वो उसको लागू करती है, और जुडिशरी जो है उसकी देखती है, ठीक है, कि किस तरीके से लागू हुआ है या नहीं, कोई काम ठीक से कर रहा है या नहीं, ओके। उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट लॉ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और जो एग्जीक्यूटिव की मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कानून को इम्प्लीमेंट करना एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और कानून का और डिसीजन का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जो कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। और लेजिस्लेचर क्या है? वो हमारी गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी है। एंड द जुडिशरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ द लैंड एंड पनिशिंग ऑल दोज हु ब्रेक। और द लॉ जुडिशरी क्या काम करती है? वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी कानून लागू हुआ है उसको देखने के लिए, और जो व्यक्ति उसको ब्रेक करते हैं उनको पनिश करती है, ठीक है बेटा। द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला होता है गवर्नमेंट के 3 टाइप होते हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में क्या होता है? अभी हमने पढ़ा द टर्म डेमोक्रेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक टर्म्स। डेमोक्रेसी 2 ग्रीक टर्म से वर्ड से बना हुआ है, डिमोस एंड कराटोस, जिसका मतलब है, डिमोस का मतलब पीपल और कराटोस का मतलब है पावर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इससे 2 वर्ड्स मिलकर क्या बने? मीन्स अथॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी लोगों की पावर, लोगों के शक्ति। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनली इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंडिविजुअल इंजॉय फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड स्पीच, ठीक है। जो किसी भी हमारे जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी का जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है, कैसे? जब उसको फ्रीडम हो किसी भी काम को करने की या किसी भी बात को कहने की, ठीक है। अगर ये इस तरीके से सभी को फ्रीडम मिले तो डेवलपमेंट होगा हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी का। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्प टू क्रिएट सच कंडीशन। और एक अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो वो इस तरह की कंडीशन में हेल्प करती है। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज एडल्ट फ्रेंचाइज। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता किसके द्वारा गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करती है या किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चुनती है? वो इलेक्शन के द्वारा अपनी गवर्नमेंट को चुनती है। आपने देखा भी होगा बेटा कि इलेक्शन होते हैं, हम वोट देते हैं और अपना नेता चुनते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक। तो इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका यहाँ इसका क्या है, पार्टिसिपेशन का? एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब होता है? हर एक वो व्यक्ति जो एडल्ट है, एडल्ट का मतलब बेटा जिसकी 18 ईयर से ज़्यादा एज है, ठीक है, तो उसको वोट देने का अधिकार है। और इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट होता है डिक्टेटरशिप। द वर्ड डिक्टेटरशिप मीन्स एब्सोलेट ऑबिडेंट टू एन अथॉरिटी। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एब्सोलेट, जो भी पूरी अथॉरिटी जो होती है उसी के हाथ में होती है, ठीक है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल ऑल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट। एक छोटा सा ग्रुप लोगों का या पर्टिकुलर कोई भी सोशल क्लास जो होती है, कोई भी सोसाइटी की क्लास या एक
स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सरकार के डिसीजन मेकिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सिटीजन आर नॉट अलाउड टू रेज एनी क्वेश्चन, और जो सिटीजन होते हैं वो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, या उनके काम करने के तरीके से। अथॉरिटी ओबीडेंट एंड ऑर्डर प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और अथॉरिटी क्या होती है, ओबीडेंस होती है एंड ऑर्डर प्ले करती है हमारी गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट के एक इम्पोर्टेंट पार्ट में, ठीक है। यानी जो है सिटीजनशिप, जो सिटीजन्स होते हैं वो किसी तरीके से, जैसे डेमोक्रेसी में तो आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो गवर्नमेंट से। अभी हमने पहले पढ़ा कि वो किसी, अगर कोई कानून हमें पसंद नहीं आ रहा है हम तो उसके खिलाफ कोर्ट में भी पूछ सकते हैं। तो लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। मोनार्की नेक्स्ट होती है, मोनार्की इन अ मोनार्की हेड ऑफ रॉयल फैमिली इज हेड ऑफ द नेशन। किसी भी रॉयल फैमिली का जो हेड होता है वो क्या होता है, नेशन का भी हेड होता है, जैसे कि आप ब्रिटेन में देख सकते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं ना वहाँ के महाराज राजकुमारी। सो इस कैसे द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव इन हेरिडिटी सक्सेशन। मोनार्क में क्या होता है, राजा या रानी उनके बाद उनके कोई भी रिलेटिव जो होता है वो उत्तराधिकार नियम के द्वारा जो है चुने जाते हैं, ठीक है, उनके रिलेटिव ही जो है वो हेड होंगे। द ब्रिटिश मोनार्की इज नाउन एज द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और जो ब्रिटिश मोनार्की है वो किसके, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये है कि वाइल द सोवरिजन इज हेड ऑफ द स्टेट, जबकि सोवरिजन हमारे स्टेट के हेड हैं, बट द एबिलिटी टू मेक एंड पास लेजिस्लेशन रिसाइड विद द इलेक्टेड पार्लियामेंट। लेकिन जो एबिलिटी होती है कोई भी कानून बनाने की या कोई पास करने की, वो किसके द्वारा होती है, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा होती है, यानी उन वहाँ पर भी जो पार्लियामेंट चुनी गई है उसके द्वारा होती है, ठीक है, यानी खाली सिर्फ मोनार्क के द्वारा नहीं, जो राजा या रानी उनके द्वारा नहीं। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंसिस, फ्रेंस का मतलब राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। व्हेन दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल द एडल्ट्स, और जब इसमें सभी एडल्ट्स को ये अधिकार दिया जाता है तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेस, ठीक है। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में दिस राइट इज इंजॉयड बाय एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को ये अधिकार मिला हुआ है, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है और जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर है, ठीक है। दिस राइट इज नीडिड बिकॉज, क्यों चाहिए ये राइट हमें, एवरी वन शुड हैव एन इक्वल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इट इस्टेब्लिश पोलिटिकल इक्वलिटी। ये क्या करती है बेटा, राजनीतिक समानता को स्थापित करती है, और हर एक व्यक्ति को, एवरी वन शुड हैव इक्वल वॉइस, सभी की एक आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है, अपनी सरकार चलाने के लिए। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड, डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट लोगों की सरकार, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, ठीक है, लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, ठीक है। गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू ऑल पीपल हु हैव इलेक्टेड इनटू इट टू पावर, और सरकार क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, जो जनता ने उसको चुना है, ठीक है, उसके लिए हर तरीके से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सभी लोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके बेटा, नेक्स्ट है सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट क्या था बेटा, पहले क्या था, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, इट्स मीन कि वुमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार था। सफरेज मीन्स राइट द पीपल हैव टू वोट, लोगों को वोट देने का अधिकार। स्पेशली वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सफरेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली जो वुमेन थी उनको क्या था, बहुत सारी कंट्रीज में वोट देने का अधिकार नहीं था। ओके बेटा, द मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट, और इस मूवमेंट को क्या कहा गया, वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा गया, ठीक है। दिस सफरेज मूवमेंट रेफर टू द वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये क्या, इसमें क्या था कि इस सफरेज मूवमेंट में वुमेन्स जो थी उन्होंने अब वोट राइट टू वोट देने के अधिकार के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, मूवमेंट ताकि उनको वोट देने का अधिकार मिले, ठीक है।
इसमें क्या है, स्पेशली वुमेन्स के लिए था ये, क्या वुमेन्स स्ट्रगल, वुमेन्स ने स्ट्रगल किया वोट देने के लिए, जो अधिकार पाने के लिए, ठीक है। द वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और वुमेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है। इट प्रोवाइड वुमेन वर एलिजिबल फॉर सेम राइट एज मैन, और इट्स प्रूव्ड, इसने प्रूव कर दिया कि वुमेन्स भी मैन के बराबर उसको सेम अधिकार जो है मिलने चाहिए। इट वॉज ओनली इन 1920, और ये कब हुआ, 1920 में हुआ, जब वुमेन इन यूके और यूएसए में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार मिल गया था। ओके बेटा,